हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल मेडल फैमिली खाना में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड ए पुई साग। आप देख सकते हैं फ्रेंड ए काफ़ी स्वादिष्ट होती है, बहुत ही मज़ेदार है, चावल के साथ काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट बनती है। तो फ्रेंड आज आप लोगों को बताऊंगी और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहेगा। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए मेरा वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड तेल गरम हो गया है। आप डालेंगे प्याज लहसुन मिर्चा। जब यह साग बनाए फ्रेंड तब ज़्यादा प्याज और लहसुन दें और मिर्चा, काफ़ी स्वादिष्ट बनती है इससे। देख सकते हैं फ्रेंड ये सारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालेंगे साग, पुई साग, पुई ये वाला साग खाने से फ्रेंड, पुई का साग खाने से पथरी और शुगर नहीं होती, और भी हमारे जो शरीर में जो भी बीमारी है वो भी दूर होती है। तो फ्रेंड आप लोग भी कभी मार्केट में मिलेगी तो आप भूलिएगा मत, जरूर आप लोग बनाइएगा और खाइएगा, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। मैं जिस तरह से बनाई हूँ उसी हिसाब से आप लोग उसी तरह से आप लोग बनाइए, काफ़ी स्वादिष्ट होती है। और फ्रेंड इसमें मैं अभी ये डाल दिया है, फिर मैं डालूंगी ये चना साग, तो ये मैं थोड़ा देर में मैं डालूंगी। देख सकते हैं फ्रेंड पुई साग हल्का पक गया है। अब इसमें डालूंगी मैं काले छोले। देख सकते हैं इसके साथ काफ़ी स्वादिष्ट होती है फ्रेंड, तो आप इसी तरह बनाइएगा। मैंने काले छोले भी डाल दिया है, इसमें ऐड कर लिया है। अब इसको मैं ढक्कन से ढक देती हूँ। अब एक बार चेक करते हैं पक गया या नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड अच्छी तरह से पक गया है। तो फ्रेंड आप लोग मेरा पूरा फुल वीडियो में बने रहिएगा और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरा पुई छोले बनाने का रेसिपी। मैं आप लोगों को इसी तरह नई नई रेसिपी बताते रहूँगी फ्रेंड। मेरा वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहेगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आप लोगों को नए नए रेसिपी बताते रहूँगी।